क्लास 12 चैप्टर 15 ये पार्ट लास्ट है, जिसका नाम है संचार प्रणाली। ध्यान से देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार प्रणाली क्या है? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली प्रणाली को संचार प्रणाली कहते हैं। इसको हम लोग क्लास में ही पढ़ चुके हैं। पुराने ज़माने में ढोल, पत्र, दूत, कबूतर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट का प्रयोग होता है। यह दो प्रकार का होता है। संचार प्रणाली दो प्रकार का होता है। संचार प्रणाली का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन है, मोबाइल फोन है। ये दो प्रकार का होता है, एनालॉग और डिजिटल, गैर अंकित और अंकित। एनालॉग में हम अंक का प्रयोग नहीं करते हैं, डिजिटल में हम अंक का प्रयोग करते हैं। यह वैसी प्रणाली है, इसमें अंक का प्रयोग नहीं होता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, सब एनालॉग सिस्टम है। डिजिटल में क्या होता है, इस प्रकार की संचार प्रणाली में अंक दबाया जाता है, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट आदि। पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन संचार प्रणाली के कई भाग हैं, जो निम्न है। ध्यान से देखिए, सोर्स पहले स्रोत है, जो ध्वनि का को पैदा करता है उसे स्रोत कहते हैं। समानता किसी मनुष्य के द्वारा यह पैदा किया जाता है। ट्रांसड्यूसर क्या है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तीसरा, रेंज सीमा क्या है, किसी भी संचार प्रणाली के कार्य करने की एक सीमा होती है, जिसे रेंज कहा जाता है। कुछ संचार प्रणाली कुछ किलोमीटर तक सीमित है, लेकिन कुछ संचार प्रणाली विदेशों तक भी सीमित है, काम करती है। जैसे इंटरनेट पूरा विश्व तक फैला हुआ है। रिपीटर क्या है, ये संचार प्रणाली में यह सिस्टम किसी भी साउंड को बार बार रिपीट करके सुनाता है, जिसे हम रिपीटर कहते हैं। अगला है बैंड की चौड़ाई, विड्थ ऑफ बैंड। विद्युत चुंबकीय तरंग बैंड के रूप में चलती है। बैंड की चौड़ाई जितनी अधिक होगी, उतनी संचार प्रणाली अधिक विकसित होगी, तथा चुंबक तथा चौड़ाई कम होने पर कम विकसित होगी। छठा है एंटीना, विद्युत सिग्नल को ग्रहण करने वाले यंत्र को एंटीना कहते हैं। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 100 मीटर तक होती है। सातवां है रिसीवर, जो विद्युत तरंगों को ग्रहण करता है उसे रिसीवर कहा जाता है। यह अच्छे क्वालिटी का FM में प्रयोग होता है तथा निम्न क्वालिटी का AM में प्रयोग होता है। अगला है मॉड्यूलेशन, यदि कम आवृत्ति आयाम कला के तरंग को अधिक आवृत्ति आयाम तथा कला के तरंग पर भेजा जाए तो इसे ही हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, आयाम कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन क्या है, यदि अधिक आवृत्ति आयाम कला के तरंग को कम आवृत्ति आयाम तथा कला के तरंग पर डाला जाए तो इसे हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। दसवां है प्रवर्धन एम्पलीफायर, जो तरंग को आवृत्ति कला आयाम में वृद्धि करता है उसे हम प्रवर्धक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन आयाम क्या है, विभिन्न प्रकार के आयाम का वर्णन करें। यदि किसी तरंग जिसकी आवृत्ति आयाम कला का मान कम हो, अधिक आयाम आवृत्ति कला के तरंग पर भेजा जाए तो इसे ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन तीन प्रकार का होता है, FM, AM, PM। FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और PM मतलब फेज मॉड्यूलेशन। अब पहला हम पढ़ेंगे FM क्या है, यदि कम आवृत्ति के तरंग को अधिक आवृत्ति के तरंग पर भेजा जाए तो इसे FM कहते हैं। FM का गुण क्या है, तो फर्स्ट गुण है यह बेस्ट मॉड्यूलेशन है, सबसे अच्छा। इसकी दक्षता 1% में 100 होती है। इसकी बैंड की चौड़ाई अधिकतम होती है। तीसरा है इसमें शोरगुल नहीं होता है। चौथा है इसमें जो उपकरण होता है अच्छी क्वालिटी का तथा महंगा होता है। दूसरा है AM, यदि कम आयाम के तरंग को अधिक आयाम के तरंग पर भेजा जाए इसे AM कहते हैं। गुण क्या है, यह निम्न कोटि का मॉड्यूलेशन है। इसकी दक्षता 30-40% होती है और संख्या में 0.3-0.4% होती है। इसमें शोरगुल काफ़ी होता है। इसमें लोग उपकरण सामान्य कोटि का होता है। इस मॉड्यूलेशन में स्पष्ट साउंड सुनाई नहीं देता है। तीसरा है PM फ्रेज मॉड्यूलेशन, यह यदि कम फ्रेज के तरंग का अधिक फ्रेज के तरंग पर रखा जाए तो उसे फ्रेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। गुण क्या है, पहला है यह माध्यम कोटि का मॉड्यूलेशन है। दूसरा है इसकी दक्षता 60% और संख्या में 0.6 होती है। इसमें शोरगुल होता है। इसमें उपकरण माध्यम श्रेणी का होता है, न बढ़िया न खराब बीच का। पांचवा है इसमें ध्वनि ऊर्जा का उपयोग पर कम नुकसान होता है। आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। ध्यान से देखिए, इंटरनेट क्या है, वही संचार प्रणाली जो पूरे विश्व को जोड़ती है उसे इंटरनेट कहते हैं। इसे पांच भागों में बांटा गया, इंटरनेट को पांच भागों में बांटा गया, EMIL। यह वैसी संचार प्रणाली है, इसे LTC ट्रांसफर प्रोग्राम। इसे पत्र की एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। दूसरा है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। इस प्रकार के सुविधा में फाइल की को विश्व से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इस तरह न्यायपालिका में काफ़ी सहायता मिलती है। E-commerce तीसरा है, इस विधि में पूरा विश्व में व्यापारिक किया जाता है। इसे सॉफ्ट वायर की
माध्यम से कहा भी जाता भी व्यापारिक किया जाता है। कंप्यूटर के सिस्टम से व्यापारिक किया जाता है, इसे मनी ट्रांसफर भी किया जाता है। चौथा है WWW, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इस विधि से पूरे विश्व को विकसित किया जाता है। इसे सॉफ्टवेयर के में उपयोग किया जाता है या इंटरनेट के माध्यम प्रोग्राम लोड करता है। इसे संचार प्रणाली कहा जाता है। पांचवा है ई चैटिंग। इस विधि से विश्व में किसी भी माध्यम से हम गपशप कर सकते हैं। छठा है फैक्स, फार अवे जीरोक्स। इस विधि द्वारा विश्व में इस एक भाग से दूसरे भाग में समाचार कोई भी फोटोकॉपी भेजा जाता है। यह विकसित संचार प्रणाली कहलाती है। अगला है मोबाइल टेलीफोन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान सुनिए, संचार प्रणाली मुख्य स्रोत है जो पूरा विश्व में अपनाई जाती है। इसमें ध्वनि ऊर्जा होता है या विद्युतीय में ऊर्जा बदलता है। यह एक ऑफिस में जाती है जो इसे MTOS कही जाती है, जिसे मोबाइल ट्रांसफर स्विचिंग ऑफिस के से स्लो साइज होता है। इसके बाद सूचना को ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की परत का वर्णन करें। यहाँ से देखिए, पहला है क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर तक होती है। यहाँ ऑक्सीजन होता है। यह दिन और रात दोनों समय काम करता है। इसमें एंटीना की ऊंचाई सीमित होती है। यह ऊंचाई आवृत्ति 10^9 हर्ट्ज को ग्रहण करती है। दूसरा है समताप मंडल, इसे कैपिटल डी परत भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 65 से 75 किलोमीटर तक होती है। यह केवल दिन में काम करता है। यह कम आवृत्ति का उच्च आवृत्ति तथा मध्य आवृत्ति तीनों को अवशोषित करता है। यह अवशोषण रात्रि में करता है। यह संचार प्रणाली के लिए सही नहीं है। तीसरा है ई परत। इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर होती है। यह भी दिन में काम करता है, लेकिन उच्च आवृत्ति को यह कुछ परावर्तित करता है। अगला है मध्य मंडल, इसको F1 बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 190 किलोमीटर तक होती है। इसमें इसे F1 भी कहते हैं। यह भी दिन में काम करता है, रात्रि में यह अवशोषित होता है। संचार प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है। छठा है F2। इसकी ऊंचाई 300 से 400 किलोमीटर तक होती है। यह दिन और रात दोनों में काम करती है, लेकिन इसके लिए उपग्रह का उपयोग किया जाता है। जिस तरंग को यह लौटाती है उसे UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। यह टेलीविजन तथा रडार में प्रयोग होता है। अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग। तीन रूपों में चलती है। पहला है भू तरंग, यह वातावरण में 10 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। इसके लिए एंटीना का साइज λ/4 होता है। इसकी आवृत्ति 10^6 हर्ट्ज होती है। जो एंटीना का साइज आता है वह 75 मीटर होता है, जिसे हम देख सकते हैं। V=10^6 हर्ट्ज, C=V λ, λ=C/V, C का मान भरेंगे 3×10^8 प्रकाश निर्वात की चाल बटा 10^6 कट करेंगे तो 300 मीटर, और लैम्डा का मान आ गया तो λ/4 भरेंगे तो लैम्डा जब 300/4 कटेंगे तो 75 आ जाएगा। AMS का पूरा उपयोग किया जाता है। इसमें दिन और रात दोनों समय संचार प्रणाली काम करती है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर सेटेलाइट रहता है। यहाँ पर व्योम तरंग है, स्पेस वेब, यहाँ पर कॉस्मिक किरण है। यहाँ पर 40×10^6 हर्ट्ज यहाँ होता है, 4×10^7 हर्ट्ज यहाँ होता है। यहाँ पर स्काई वेब है, FM है। यहाँ पर एटम डेंसिटी है, 10^6 हर्ट्ज है। यहाँ पर आयनीकरण मंडल है, यहाँ पर GW ट्रोस्फियर है। इस तरह हम आगे देखते हैं स्काई वेब। आकाशीय तरंग क्या है? इसकी ऊंचाई 65 से 108 किलोमीटर तक होती है। इसे आयनीकरण मंडल कहते हैं। इसके निचले भाग में एटम का घनत्व अधिक होता है, लेकिन ऊपरी भाग पर कॉस्मिक रे सूर्य से आती है, हम चित्र में देख चुके हैं, और इसे आयनों में तोड़ देती है। 30 MHz आवृत्ति वाले तरंगों को यह आसानी से परावर्तित कर देती है। यह दिन और रात दोनों समय कार्य करती है। इसके लिए कोई उपग्रह तथा एंटीना का आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा है स्पेस वेव क्या है? यदि विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 10^9 हर्ट्ज होती है तो यह आयनीकरण मंडल को भेद कर ऊपर जाती है, लेकिन इसको परावर्तित करने के लिए सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। यह इसको आसानी से लौटा देती है। इस तरह यह TV के लिए उपयुक्त है। जिसे रास्ते में तरंग चलती है उसे LOS लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। इसकी दूरी निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग होता है, D/√2hr, जहाँ h एंटीना की ऊंचाई है, r पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 6400 किलोमीटर। नोट देखिए, सभी तरंगों के प्रेषण की आवृत्ति AM की आवृत्ति 500 हर्ट्ज से 1600 हर्ट्ज
तक होती है। दूसरा एफएम की आवृत्ति 88 से 108 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज तक होती है। तीसरा टीवी की आवृत्ति 400 से 900 मेगा हर्ट्ज तक होती है। चौथा सेलुलर मोबाइल की आवृत्ति 800 से 900 मेगा हर्ट्ज होती है। पाँचवा उपग्रह की आवृत्ति 4 से 5 जीगा हर्ट्ज तक होती है। अगला पॉइंट है मॉड्यूलेशन सूचकांक, इसे म्यू से सूचित करते हैं। इसका अधिकतम मान 1 तथा न्यूनतम मान 0 होता है। यह दोनों राशियों का अनुपात है। म्यू बराबर V2 माइनस V1 बटा V1 प्लस V2। इसका मान 1 से कम आता है तथा परसेंट में 100 से कम आता है। यदि शिखर वोल्टता मालूम हो तो मॉड्यूलेशन साइट सिग्नल को निकाला जा सकता है। इसे इसमें परसेंटेज से केवल गुना किया जाता है। PWM जिसका फुल फॉर्म होता है फेज विद मॉड्यूलेशन, PAM इसका फुल फॉर्म होता है फेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगला है PDM इसका होता है फेज डिवर्सन मॉड्यूलेशन। यदि एरिया का मान निकालना हो तो πr²h के फार्मूला का प्रयोग करेंगे क्योंकि बेलनाकार तार होता है। स्पेस वेव के लिए जीगा हर्ट्ज की आवृत्ति उपयुक्त होगी। 1 जीगा हर्ट्ज बराबर 1 जीगा हर्ट्ज से 100 जीगा हर्ट्ज। UHF स्काई वेव में होती है। आंकी सिग्नल केवल बाइनरी का प्रयोग होता है। आंकी सिग्नल में सिर्फ बाइनरी का प्रयोग होता है, इसमें 1 और 0 का ही प्रयोग होता है। ये पांचों गेट को हमें एक जगह दिखाए हैं। इसका सिंबल भी है और बोलिए इसका सिंबल भी है। बोलिए व्यंजक भी ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। इस तरह पाठ खत्म हुआ। इस तरह फिजिक्स का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अब केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम शाम से डालेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टडी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।